बिहार के बच्चे इन दिनों कमाल कर रहे हैं। एक तरफ नालंदा का सोनू है जो पढ़ाई करने के लिए सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हमारा एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दीजिए क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो परीक्षा में सवालों के जवाब न लिख कर भोजपुरी के गाने लिख देते हैं, वो भी खेसारी लाल यादव के गाने। बिहार में ली जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के आंसर शीट हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के गोपालगंज जिले से निकलकर आया है, जहां के एक छात्र को भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव का गाना इतना भा गया कि उसने परीक्षा की आंसर शीट पर आंसर देने के बदले उस गाने को ही लिख डाला। इसके साथ ही उसने खेसारी का विश्लेषण भी बहुत ही रोचक तरीके से किया। आंसर शीट की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल हो रही उत्तर पुस्तिका पर गोपालगंज के भोरे प्रखंड स्थित BPS कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है। एक सप्ताह से छात्र की कारस्तानी के कारण सोशल मीडिया पर यह कॉलेज ट्रेंड भी कर रहा है। बताया जाता है कि BPS कॉलेज भोरे में इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। छात्रों की 11वीं की परीक्षा 11 से लेकर 21 मई तक हुई थी। हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में अखिलेश यादव नामक छात्र ने भोजपुरी गाना ए राजा छूटता पसीना गर्मी होला जाई बाजार ले ले आई एगो कोको कोला गाना को लिख कर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। देखते ही देखते ये आंसर शीट पूरी सोशल मीडिया पर तैर रही है। सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की टिप्पणी कॉलेज के बारे में भी कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उत्तर पुस्तिका किसी छात्र द्वारा लिखी भी गई है या किसी ने जानबूझकर कॉलेज के साथ साथ छात्र का भी मजाक उड़ाया है, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उदय शंकर पांडे ने बताया कि ऐसी कोई जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जाँच कर दोषी छात्र के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वही खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का गाना इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल के इसी गाने पर बीते मार्च महीने में बरौली थाना क्षेत्र में भारी बवाल हुआ था। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी और पुलिस पहुंची तो उन पर उपद्रवियों ने हमला भी कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने भारी मात्रा में तलवार लाठी डंडे बरामद भी किए थे। तो आपने जाना कि किस तरह से बिहार में स्टूडेंट्स की कारस्तानी हर बार कुछ ना कुछ रंग दिखाती है। इस बार तो इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा की कॉपी में सीधा गाना ही लिखा हुआ था जो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।